काफ़ी पानी इकट्ठा हुआ है और बिल्डिंग को काफ़ी नुकसान हुआ है और उसमें नीचे दुकान थी, दुकान का होटल राशन और इत्यादि सामान पानी के बहाव में बह गया और एक 800 गाड़ी थी वो भी पानी के बहाव में चलना जाने काम दे गई। मैं तुलाराम चौहान ग्राम राधिका सफाई निवासी हूँ। मैं ग्राम पंचायत बधाल का रूपुर प्रधान रह चुका हूँ। रात को करीब 3:40 अचानक बादल फटने से हमारे एनएच में मेरे भतीजे का राजगौर के नाम से रेस्टोरेंट है उसमें काफ़ी पानी हुआ है और बिल्डिंग को काफ़ी नुकसान हुआ है और उसमें नीचे दुकान थी, दुकान का होटल राशन और इत्यादि सामान पानी के बहाव में बह गया और एक 800 गाड़ी थी वो भी पानी के बहाव में चलना जाने काम दे गई। मैं चमनगी चौकी प्रभारी ज्यूरी, 5:30 बजे मुझे सूचना मिली कि धराली खड्ड में बादल फटने से काफ़ी ज़्यादा फ्लड आया है और काफ़ी नुकसान हुआ है एनएच में भी और वहाँ पर कुछ मकानों को नुकसान हुआ है। मैं तुरंत उसी सूचना पर मैं अपने जवानों से को लेकर रेस्क्यू टीम लेकर मैं यहाँ पर पहुँचा, मौके पर पहुँचा हूँ। मौके पर मैंने जायज़ा लिया है, यहाँ पर काफ़ी नुकसान हुआ है और जिससे कि एनएच पूरी तरह से बंद हुआ है और दोनों तरफ लोग फंसे हैं, बहुत सारे लोग फंसे हैं। तो हमने एहतियात के तौर पर लोगों को नाला टपने को मनाही कर रखी है क्योंकि
पानी बहुत बहुत तेज़ी से चल रहा है, तो जैसे ही हमने अब मशीन भी लग गई है, जैसे ही बहाल होता है रोड तो हम लोगों को आर पार करने लगे। तो इस बादल फटने से जो फ्लड आया है इसमें कैजुअल्टी नहीं हुई है, मात्र जो है एनएच को नुकसान हुआ है और कुछ दुकान थे यहाँ पर, कृष्ण जी गुरु जी है यहाँ पर पीटीआई, रिटायर्ड पीटीआई, उनके मकान को काफ़ी नुकसान हुआ है, होटल को नुकसान हुआ है और बहुत सारे गाड़ियों को भी नुकसान हुआ है, तो कैजुअल्टी नहीं हुई है।